हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किंग खान यानी कि द बादशाह ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान की द मच मच अवेटेड द हॉट एंड द बर्निंग पठान के ऑफिशियल टीजर के बारे में। सो फाइनली द ऑफिशियल अनाउंसमेंट इज आउट, सबको बता दिया गया है, नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान का जो टीजर है द मच मच अवेटेड, मतलब कितने सालों से वेट हो रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल करते करते अब 4 साल से भी ज्यादा होने वाले हैं। अब फाइनली जाके हर कोई वेट कर रहा है, चाहे वो फैंस हो चाहे वो न्यूट्रल ऑडियंसेस हो। इस फिल्म का बस इतना ज्यादा है, इस फिल्म का जो हाइप है वो अलग ही लेवल का है। अभी तक इसका हम लोगों को झलक नहीं देखने को मिला है, फाइनली उसका झलक हम लोग को देखने को मिलने वाला है बहुत जल्दी। और लास्ट वीडियो में आपको बताए थे कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के दिन ऐसा कुछ रूमर सुनने में आ रहा है, लेकिन हमको यही लगता है कि 2nd of November यानी कि शाहरुख खान का बर्थडे वो दिन होगा जिस दिन पठान का टीजर ड्रॉप होगा, और उसके बाद ऐसा फटेगा कि मतलब सोशल मीडिया विल गो फॉर अ टॉस। और सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, हर किसी के जबान पर सिर्फ एक ही नाम होगा, दैट इज पठान। ये पावर है पठान का, ये स्टेमिना है पठान का, और शाहरुख खान को एक्शन अवतार में इस तरह के डेडली रोल में देखने का मतलब एक अलग ही माहौल बन जाएगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि ही इज द किंग ऑफ रोमांस। लेकिन दिलवाले को वो डायलॉग याद आता है हमको कि मतलब हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। और अब जब शाहरुख खान बदमाशी पर उतर आएंगे यानी कि मास अवतार में एक एक्शन रोल करते हुए नजर आएंगे, उसके बाद जवान भी है, तो भाई इस जॉनर को एक अलग ही मीनिंग अब वो देने वाले हैं फाइनली। और एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है, मतलब जिस तरह के एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में हम लोग सुने हैं, टाइगर की एंट्री है सलमान खान की, तो उसके लिए तो अलग ही एक्साइटमेंट है ऑब्वियसली। लेकिन शाहरुख खान को बड़े पर्दे में वापस देखने के लिए हर कोई तरस रहा है लिटरली। एनी डे किसी भी दिन उठा लो, पठान ट्रेंड करते ही रहता है, और 2nd November को तो क्या ही माहौल होगा, क्या ही मंजर होगा, वो सोच के अभी से हमको गूजमा पा रहे हैं। सो अल्टीमेटली इट विल बी बोनैंजा ऑन बॉक्स ऑफिस। वो जिस तरह का रिकॉर्ड बनेगा, जिस तरह का मतलब सब कुछ अगर सही रहा, अगर कहानी सटीक बैठी और अच्छी फिल्म बना दी, उसके बाद तो फिर कहाँ जाएगी ये फिल्म कोई नहीं बता सकता है कि इसका लाइफ टाइम कहाँ होगा और इसके कलेक्शंस किस लेवल के आएंगे। क्योंकि बस इतना है कि ओपनिंग तो फाड़ने वाला है ये फिल्म, और उसके बाद फिर देखते हैं किस तरह होगा। सबका एक झलक हम लोग को टीजर में देखने को मिल जाएगा 2nd of November। और सुनने में ये भी आ रहा है कि 25 को, जो कि 25 का हर महीने के 25 तारीख को कुछ ना कुछ आता है पठान से, तो इस बार सुनने में आ रहा है कि एक पोस्टर आएगा जिसके लिए हम लोग मतलब अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि 2nd of November को टीजर आ रहा है। अब देखते हैं वो आता है कि नहीं, वो तो सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन 2nd of November इट इज कन्फर्म कि पठान का टीजर आ रहा है। और 2nd of November को ये भी सुनने वाला है कि एटली कुमार कैसे पीछे रहने वाले हैं, वो भी जवान की तरफ से एक नया पोस्टर हम लोग को मतलब एक अलग ही अवतार में शाहरुख खान को प्रेजेंट करने वाले हैं। जो उनका अनाउंसमेंट हुआ था जवान का, उसमें तो मतलब अलग लेवल का, मतलब अनिरुद्ध का BGM, शाहरुख खान का वो वॉक, वो जिस तरह से उनका लुक दिया गया है, मतलब हर कुछ अलग लेवल का तबाही मचा रहा था उस फिल्म में। देखते हैं 2nd of November को किस किस लेवल का तूफान मचता है, किस किस लेवल की सुनामी आती है। शाहरुख खान लंबे बाल, फेसिंग जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण, मतलब इट विल बी मैसिव, इट विल बी ह्यूज, ह्यूमंगस, और इससे बड़ा कमबैक नहीं हो सकता। गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट कमबैक इन द हिस्ट्री ऑफ कमबैक्स बाय द किंग हिमसेल्फ, यानी कि शाहरुख खान इज कमिंग बैक टू रूल अगेन। बहुत हो गया इंतजार, अब बारी है बॉक्स ऑफिस को हिला के रख देने की। कितने एक्साइटेड हो आप पठान के ऑफिशियल टीजर के लिए, कमेंट सेक्शन भर दो। वीडियो पसंद आया दबा के शेयर कर दो, लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आए आपसे मिस नहीं हो। कुछ और बात करनी, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।